नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.27। ए गैल्वेनोमीटर कॉयल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट इज 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। अब इसमें आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर बढ़ाया था, उसमें फार्मूले भी बताए थे, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, फिर भी यहाँ हम अगेन एक्सप्लेन करते हैं। गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है जी, 12 ओम। मीटर शोज द फुल डिफ्लेक्शन, तो करंट कितना दे रखा है आई, 3 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर का जो रेंज दे रखा है वो क्या है, 0 to 18 वोल्ट। करो बीन चल रही है आजकल, तो ये गैल्वेनोमीटर लगा है, एक हाई रेस्टिव वायर हमने पैरेलल में सीरीज में लगा रखा है, जिससे ये गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट हो गया है वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बी, और इसमें ये करंट आई जी फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर में, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो बी जी इक्वल आई जी जी होगा, इसके अक्रॉस जो होगा बी माइनस बी जी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी में से बी जी घटा दिया क्योंकि बी जी इसका है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से आराम से, इसके अक्रॉस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। ये सारी वैल्यू गिवन है, जी गिवन है, आई गिवन है, और हमारे पास डी गिवन है, आर गिवन है, ठीक है। और यहाँ मिली एम्पियर को हमने कन्वर्ट कर लिया है एम्पियर में, तो मल्टीप्लाई कर दिया है 10^-3। 1 मिली एम्पियर होते हैं 10^-3 एम्पियर। फार्मूला लगा दिया हमने, आर इक्वल क्या लगाया, बी माइनस जी, मतलब बी अपॉन आई जी। आर इक्वल ये जो फार्मूला लगाया बी अपॉन आई जी माइनस जी, जो ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। हमने बी की वैल्यू रख दी 18, आई जी की वैल्यू रख दी 3 × 10^-3, और माइनस जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसे क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 6000 आएगा, 6000 में से 12 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5988 ओम आ जाएगा। तो 5988 रजिस्टर इन सीरीज में कनेक्ट कर दें तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके।